दरवेश दो जहाना दे वाली साहिब कमाल कमलो लिखलाक वरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की फतेह परवानो फतेह का जवाब फतेह दो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुक्म होया अमृत छकना क्यों जरूरी है इस संबंधित आप जी नाल कुछ मिनट गुरमत विचारां दी सांझ कीती जाए। सतगुरु पातशाह रहमत करन दिते हुए समय के अंदर आप जी नाल विचार सांझे कर सकां। विशा आरंभ करन तो पहला मैनू घटना याद आ गई। केसगढ़ साहिब विखे बतौर हैड ग्रंथी की सेवा निभाउंदिआं होइआं ज्ञानी प्रेम सिंह जी खड़क उन्हां दी ड्यूटी एक बारी तरन तारण दे लागे किसी पिंड विच अमृत छकाउण लई लगी है। जदों अमृत छकाउण दे वास्ते सारी तैयारियां पूरियां करके दरवाजे ते टाकियां बंद करतियां गईयां अचनचेत किसी ने दरवाजा खटखटाया है। जथेदार जी ने हुक्म किया सेवादार नूं दरवाजा खोल दिओ ते जिस वेले दरवाजा खोलिया ते की तकिया एक बजुर्ग माता अपने छोटे बच्चे नूं 4-5 साल दे बच्चे नूं गोदी विच लै के बड़ा सोहना दुमाला सजाया होया पंजे ककार सजाए हुए ने लै के सतगुरु जी नूं नतमस्तक हो के जथेदार जी दे सामने आके खड़ गई। जथेदार जी ने हुक्म किया माता जी बेनती करो ते माता अगों कहण लगी जथेदार जी मेरी बेनती यह होया कि इस बच्चे नूं अमृत जरूर छकाओ। जथेदार जी कहण लगे माता जी इस बच्चे की उम्र बहुत छोटी है अजे बच्चा रहता बैता नहीं रख पाएगा। मेरी सलाह यह है कुछ समा ठहर जाओ जिस वेले बच्चा वड्डा होएगा 10-12 सालों का होएगा यह रहता बैता रखन दे योग हो जाएगा फिर इस नूं अमृत छकावांगे। माता कहण लगी जथेदार जी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे पर सतगुर पातशाह ने कितनी उम्र इस बच्चे नूं बख्शिश कितनी है कितनी आयु लैके इस संसार दे विच आया है। जे बच्चा निगुरा ही संसार तो चढ़ाई कर गया तो जथेदार जी मैनू इस गल का जवाब दे दिओ इस दे निगुरे जान का पाप मैनू लगेगा या तुहानू लगेगा। जथेदार दे पास कोई जवाब नहीं सी। कहण लगी माता जथेदार जी तुसी इहनू अमृत छकाओ जदों तक बच्चा छोटा है ना मैं इस दे कन्नां दे विच नितनेम दीआं बाणीआं दा पाठ अमृत वेले नितनेम दीआं गुंजां इहदे कन्नां दे विच पावांगी सोधर दी बाणी प्यार नाल सुनावांगी सोहले दे पाठ करांगी तुसी इस बच्चे नूं अमृत छकाओ। जिस वेले बच्चा वड्डा हो गया ना फिर कलगीधर पातशाह दी अपनी जिम्मेवारी है इस बच्चे नूं बांह तों पकड़ के गुरु अपने लड़ ला छड्डणगे। जथेदार ने गल सुन के हैरान हो गया एक घटना सानू ये सिक्ख्या दिंदी है काश के अज साड़ियां मातावां भैणां बजुर्ग उस माता दे वांग अपनी इस जिम्मेवारी नूं समझ जाण कि अमृत छकना क्यों जरूरी है। आओ इस गल ते विचार करिए सारियां तों पहलां अमृत है की। दो शब्दां दा जोड़ है अमृत मृत प्लस आला। मृत दा मतलब हुंदा है मौत जदों आला अगे लग गया भाव मौत रहत। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने गुरमत मारतरण दे विच अमृत दे अर्थ करदिआं होइआं लिखिआ है कहिंदे ओह पदार्थ जिस दे पीण दे नाल ओह वस्तु जिस दे पीण दे नाल बंदा मौत रहत हो जाए उस नूं अमृत आख्या जांदा है। ते गुरु पातशाह ने गुरमत फिलासफी ने दो किस्म दी मौत मन्नी है एक शरीरक मौत है एक आत्मक मौत है। शरीरक मौत की हुंदी है आत्मक मौत की हुंदी है। आत्मक मौत जिस वेले बंदा संसार दे विच हसदा खेलदा उड़दा बैठदा खांदा पींदा सौंदा जागदा परिवार विच रंगरलियां मानदा होया गुरु अते वाहिगुरु दे हुक्म नूं भुला के संसार दे विच अपने जीवन नूं जीउंदा ना उस वेले बंदे दी आत्मक मौत हो जांदी है। ते जिस वेले बंदा इह पंज भूतक देह नूं त्याग के संसार तों चला जांदा है कहिंदे बंदे दी शरीरक मौत हो गई है। ऐसी आत्मक मौत दी परिभाषा सतगुर ने बाणी दे विच बार बार दित्ती। सतगुर कहिंदे आखां जीवां विसरै मर जाओ। गुरु पातशाह ने गुरु नानक पातशाह ने सुचेत किया कहिंदे सो जीविया जिस मन वस्या सोए नानक
अवर ना जीवे कोए, जे जीवे पतलथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। ऐ सिखा तू अगर गुरु दे हुकम नू भुला के अपनी जिंदगी नू जी रहा है ना, मत जानी तू जी रहा है, तू गुरु तो बागी होके आत्मक मौत दा जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु अमरदास महाराज ने आनंद साहब की बाणी के अंदर बार बार समझाया, कहिंदे इस देही नू ओ देवती देवते लोग भी लोच रहे ने, क्योंकि जिस वेले उन्हां पास मनुखा देही सी ना, ओ इस अमृत तो वांझे हो के आत्मक मौत मर मर के अपने जीवन नू व्यतीत कर रहे सन। इस दुखी जनता की पुकार उस सर्वशक्तिमान अकाल पुरख वाहिगुरु के दर ते पुजी। जिस वेले गुरु नानक पातशाह तो पहला दी दशा देखते हैं ना, बंदा मर रहा है, खप रहा, भाई भाई का कतल कर रहा है, ऊंच नीच जात पात के वखरेवें फैले हुए ने, ते कहंदे इस दुखी जनता की पुकार उस सर्वशक्तिमान अकाल पुरख के वाहिगुरु के दर ते पुजी। उस वेले वो अरदास प्रवान हुई ते सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक पातशाह नाम रूपी अमृत का बाटा लैके इस संसार दे विच प्रगट होए ते गुरु अमरदास महाराज ने एक गल बाणी दे विच जिक्र करती, उस अमृत की भाल दे विच देवी देवते लभदे रहे पर अमृत लभ नहीं सकिया। आ मिथिहास की घटना जिस वेले पढ़ते हैं ना, शेष नाग का नेत्रा पा के सुमेर पर्वत का मदाणा बना के समुद्र रिड़किया गया ते उहदे विचों 14 रतन निकले, पर ओ अमृत फिर भी नहीं लभिया जिस अमृत दे नाल मनुख ने आत्मक मौत तो बचना सी। उस अज भी देवी देवते इस देही नू पालने ने, गुरु साहब ने बाणी दे विच जिक्र किया, इस देही को सिमरे देव सो देही पर हज की हर की सेव, क्योंकि इस देही के अधिक काम ते सर्वोत्तम काम की है। गुरु प्यार वालों अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता रंग तमाशा, पूर्ण आशा कभी ना व्यापे चिंता। गुरु प्यार वाले तू गुरु दे दर ते आके जोदड़ी कर, तरला कर, तेरे मन दे अंदर दियां सारियां चिंतावां नू गुरु नाश कर देगा। ते भगत कबीर जी ने गुरु नानक पातशाह ने एक गल भी चेता कराती, दुनिया दे लोगों जिस अमृत नू बाहर लभदे फिरदे हो ना, वो अमृत है हिरदे विच, नानक अमृत मने माहे पाइए गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा दे नाल इस अमृत की प्राप्ति होनी है, पर होनी किस तरह है? गुरु पातशाह ने एक फॉर्मूला दस्या, कहिंदे गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावे कोई। गुरु दे भाणे दे विच गुरु की दसी हुई मर्यादा दे विच चलन वाले मनुख नू ए अमृत रोजाना ही लभदा रहेगा। गुरु पातशाह ने जिथे गल समझाई, भगत कबीर जी ने चेतावनी दिती, ऐ मूर्ख मनुख तेनू ये देही प्राप्त हुई है ते तू इस देही दे हंकार दे विच डप्पे डोले खांदा फिर रहा है, ये जवानी प्राप्त हुई है, ये मनुखा देही लभी है इस करके नहीं लभी कि खाओ पियो ते ऐश करो, ये कई जूना दे विच पटकन तो बाद तेनू ये देही मिली है, इस देही नू मालक दे चरणा दे विच ला। भगत कबीर जी चेतावनी देंदे, कहिंदे कुकर सुकर जोन भ्रमे तू लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिखाई। तू कुत्तियां गधियां गावां किन्नियां जूनां दे विच पटकन तो बाद इस मनुखा देही विच आए, अजे भी राम नाम रूपी अमृत छकन वास्ते तैयार नहीं, कि इस देही नू भी अजाई गवा लेंगा। जिथे भगत कबीर जी ने यह गल समझाई, आओ जरा समझन दा यतन करिए कि अमृत है की। गुरु पातशाह ने जिथे गल्लां समझाइयां, गुरमत फिलासफी ने यह गल समझाई, जिस तरह साढ़े सामने कड़ा प्रसाद की देख पई हुई है ना, कड़ा प्रसाद की देख चार चीज़ों के इकट्ठ नाल तैयार होती है, आटा घ्यो मिठा ते पानी। जिस वेले ये चार चीज़ों का इकट्ठ हो जाता है, कड़ा प्रसाद की देख तैयार हो जाती है। इस तरह अमृत तैयार करन दे लई विचारवाना ने लिखिया, पांच चीज़ों का होना जरूरी है, भक्ति शक्ति निम्रता कोमलता त्याग। ये पांच चीज़ां लभणियां कित्थों ने? जपजी तो भक्ति, जाप तो शक्ति, सवैये तो त्याग, ते चौपई तो निम्रता, अते आनंद साहब तो कोमलता लैके गुरु साहबान ने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने यह अमृत तैयार किया। तो 1699 की विसाखी वाले दिन यह हुक्म करता, अज तो बाद मेरा सिख उही होएगा जिहड़ा खंडे बाटे की पौल छक लेगा, इस अमृत को छक लेगा,
तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी स्वादली गल लिखी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे जिस तरह सत चीज़ां दे इकट्ठ दे नाल सब तो वधिया वस्तु अर्गदा तैयार हो जाती है ना, सगल सुगंधता मिलत अर्गदा होत, वो किहड़ियां सत चीज़ां ने? कहिंदे कपूर, केसर, कस्तूरी, चंदन, इतर, गुलाब दे फुल अते पत्ते। जिस वेले ये सत चीज़ां इकट्ठियां हो जांदियां ने कहिंदे एक बड़ी खूबसूरत वस्तु अर्गदा तैयार हो जाती है। कहिंदे इसे तरह जे किसी मनुख के जीवन के अंदर सत गुण इकट्ठे हो जाए, वो सत गुण किहड़े ने? सत संतोख, दया, धर्म, नाम, दान, इशनान, दृढ़ाया। कहिंदे ये सत गुण किसी मनुख के जीवन के अंदर इकट्ठे हो जाए तो उस तो वधिया मनुख संसार के अंदर कोई हो नहीं सकता। जिथे गुरु पातशाह ने भाई गुरदास जी ने साडे जीवन नूं सेध देने लई ये गल्लां कीतियां, उत्थे गुरु पातशाह ने जिस वेले 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत की दात बख्शिश की, जिहड़े पंज प्यारे इकट्ठे किए ना, जिहड़े पंज प्यारे इकट्ठे होए वो इन गुणा के धारनी सन। कदी विचार करके देखो, कोई इदां खालसा नहीं साजिया। गुरु पातशाह ने उन्हां दे अंदर गुण पले, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहिब सिंह। गुरु पातशाह ने यह गल समझाई, सिखा तेरे अंदर ये गुण होने चाहिए ने। वो गुण केड़े ने? दया, 68 तीरथ सगल पुन जी दया प्रवान, ये गुण तेरे अंदर होवे। धर्म सिंह, तेरे अंदर धर्म का भी गुण होवे, तू रहता बैगता का पक्का होवे, तू धर्म के उपर अपनी जिंदगी नू बतीत करें, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरु पातशाह ने तीजा गुण हिम्मत का भरिया, तेरे जीवन के अंदर हिम्मत होवे। हिम्मत केड़ी होवे? तू कदी डप्पे डोले ना खाए, उद्दम करेंद्या जियो तू, कमाउंद्या सुख पुंच, त्याएंद्या तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। चौथा गुण पातशाह ने मुकमता का भरिया, तेरे अंदर मुकमता होवे, कदी जिंदगी विच पिछे मुड़के ना तके, जिंदगी विच तेरे पिछा देखन दा समा ना आए, पाछे पाओ ना दीजे, आगे होए सो होए, भावें जिहड़ा मंच है तेनू मुकाबले करने पै जाण, भावें तेनू जिथे मंच है जूझना पै जाए, तू पिछे होके ना तके। पंजवां गुण साहिबी का बख्शिश किया, साडे बजुर्ग गाँदे होंदे सन ना, हम राखत पातशाही दावा, या एको या अगलो पावा, सगल तरत और तवल डुलाए, सतगुर बचन न खाली जाए। गुरु दे बचन खाली ना जान, पावे तेनू अपने आप नू कुर्बान करना पै जाए। ये गुण बख्शिश किते, ये गुण दे के खालसे की सिरजना कीती, ते एक गल समझाती कि अमृत है इको, किसे सरोवर दा भर के लियांदा होया जल अमृत नहीं अखवा सकता, किसे साध संग टिब्बी पखंडी दे चरण तो के लिया होया जल अमृत नहीं अखवा सकता। साड़ी मनमत करके अखंड पाठ दे नाल रख्या होया कले विच भरिया होया जल वरुण देवते दी पूजा वाला वो अमृत नहीं अखवा सकता। अमृत है कि गुरु पातशाह ने गल समझाई, कहिंदे सिंह सो रहत पंच जे मिले, मम स्वरूप सो देखो पले, इन पंचन में मेरो वासा, पूरन करो तरो जे आसा, या पांच सिंह अमृत जो देवें, ताको सिर तर पंचक लेवें, उनमिल पांचो रहत जो पाखे, ताको मन में दृढ़ कर राखे। सिखा जेड़ी रहत गुरु पंथ ने दसी ना, उस रहत नू अपने जीवन दे अंदर उनू अपना जीवन दा अंग बनाना है, ते चेता रखी अमृत छके बगैर तू गुरु दे दर ते प्रवान नहीं हो सकता। जिस तरह एक हिंदू दे लई जनेऊ दी रसम है, जिस तरह एक मुसलमान दे लई सुन्नत दी रसम है, जिस तरह एक ईसाई दे लई बैप्टिस्मा दी रसम है, इसे तरह सिखा तेरे धर्म दे विच तेरी कौम दे अंदर एक खंडे बाटे दी पौल छकन दी मर्यादा है। जब तक तू अमृत नहीं छक लैंदा गुरु दा सिख कहाउण दा अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु पातशाह ने तो इतना माण बख्शिश किया सी ना, कदी ख्याल करके देखना 1699 की धरती का समा, वो केसगढ़ की पावन धरती कैसा समय। इतिहासकार कहिंदे 80,000 का इकट्ठ इस केसगढ़ की पावन धरती ते होया, ते कित्थों कित्थों सिंह चल के आए ने, कोई लाहौर तो आया, कोई दिल्ली तो आया, कोई बिदर तो आ रहा है, कोई महाराष्ट्र तो आ रहा है, कोई कर्नाटक तो आ रहा है, कोई जगन्नाथपुरी तो आ रहा है। कोई रेलगड़ियाँ नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई हैलीकॉप्टर नहीं, बल्कि 2.5-2.5 महीने पहला, 3-3 महीने पहला गुरु के लाल
गुरु दियां चिट्ठियां गुरु दे हुक्मनामे पढ़ के वह बिदर की धरती तो तुरे किन्ने चकड़ा दे विच हनेरियां विच रातां कट के उस केसगढ़ की पावन धरती ते पुजे। किस वास्ते? कि गुरु पातशाह ने कोई दीवान सजाना है, गुरु पातशाह ने कोई कीर्तन दरबार करना है, गुरु पातशाह ने कोई समागम करने ने? नहीं, कलगीधर पातशाह ने शीश मंगना है ते असी गुरु नू शीश पेटा कर देना है। कोई लंगर छकन नहीं जाने, कोई खीर दियां बाल्टियां वरताउन नहीं जाणिया। कलगीधर पातशाह ने 1699 की विसाखी वाले दिन जिस वेले आवाज मारी ना केसगढ़ की पावन धरती के उपर, वह आ उरा थां थां ते गर्दन चुकावण वाले आ, मैं तेरी अणख नू मगरूर हुंदा देखना है, तेरे निर्बल डोलियां विच ओ पाके हिम्मत दी कणी, मैं तेरे हत्तों देश दा दुख दूर हुंदा देखना है। ओ आ, मैनू लोड़ नहीं लखां वटेरियां दी अज, मैनू कोई लखां वटेरियां दा इकट्ठ नहीं चाहीदा, मैनू कोई हजारां दी गिनती लखां दी गिनती नहीं चाहीदी। अज तां असीं समागम करदे आ ना, असीं कहिंदे आ संगत वध तों वध होणी चाहीदी है, भावें जिद्दां दी होवे, असीं स्टाल ला ला के संगतां इकट्ठियां करदे आ, पर कलगीधर पातशाह ने आवाज़ मारी सी ओ आउरा थां थां ते गर्दन चुकावण वालिया। कलगीधर पातशाह ने आवाज़ मारी सी मैनू लोड़ नहीं लखां बटेरियां दी अज, मैनू लोड़ है अणख दा इक छोला, मैनू लोड़ नहीं राख दे ढेर दी अज, मैनू तां इक अणख दा छोला चाहीदा है, मैनू कोई राख दा ढेर नहीं चाहीदा। ते कलगीधर पातशाह ने जिस वेले केसगढ़ दी पावन धरती ते तलवार चुकी, एक किरपाण कढ़ी, केसगढ़ दे खुले मैदान अंदर मेरे प्रीतम दी सोहनी शमशीर चमकी। कवि लिखदा है, कहिंदा केसगढ़ दे खुले मैदान अंदर ओ मेरे प्रीतम दी सोहनी शमशीर चमकी, ओ चमकी खून भिजी ओ लालो लाल होई, मुरदा भारत दी मानो तकदीर चमकी। ये हिंदुस्तान दी तकदीर नू चमकाउण वास्ते कलगीधर पातशाह ने 30 मार्च 1699 दी विसाखी वाले दिन केसगढ़ दी पावन धरती दे उपर अपनी शमशीर चमकाई। ते जेड़े लोग कहिंदे सन ना सच्चे पातशाह ओ पहाड़ी राजे, सच्चे पातशाह तुहाडे पंथ दे विच आ जाने आ, तुहाडी कौम दे विच आ जाने आ, तुहाडे खंडे बाटे दे अमृत नू असी छक लैने आ, पर साडी वी इक शर्त है। वो शर्त की? ये पंक्तां वक्ख वक्ख कर दिओ, ये लाइनां वक्ख वक्ख ला दिओ, ये ब्राह्मणां दीआं लाइनां वक्खरियां, ये शूदर दीआं वक्खरियां, ये वैश दीआं वक्खरियां, ये जिहड़े जातां पातां दे वखरेवे नू तुसीं खत्म करके एक पंथ दी सिरजना कर दित्ती है ना, ये चीज़ खत्म कर दिओ, ये पंक्तां वक्ख वक्ख कर दिओ। ते गुरु पातशाह ने, कलगीधर पातशाह ने उस वेले ये जवाब दिता सी, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕੰਮੀ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਜਰ ਲੋਹਾਰ ਇਹਿਰ ਕਮਜਾਤ, ਕੰਬੋਏ ਸੂਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ, ਚੀਵਰ ਨਾਈ ਉਹ ਰੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰ, ਸੈਣੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ, ਪਟੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਹੋਤ ਮੰਗਵਾਰ, ਬਹੁ ਰੁਪਈਏ ਲੁਭਾਣੇ ਔਰ ਕੁਮਿਆਰ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚ ਕੰਮੀ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਚ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 6-5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ 5 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 6 ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, 6 ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ
कहिंदे चरण धोए रहरास कर चरणा अमृत सिखा पिलाया। गुरु पातशाह दे समय तो यह मर्यादा कायम हो गई। चौथे पातशाह का समा आया गुरु रामदास पातशाह का। यह गल बाणी दे विच लिखी है, सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। ये दो लफ्ज़ क्यों वरते गए, सिखी अते संगती। सिख वह होंदे सन जिहड़े गुरु पातशाह कोलो चरणा अमृत लैके गुरु पातशाह दे सिख बन जाते सन, ते संगती वह होंदे सन जिहड़े संगत दे विच आके बहिंदे सन ते अगे प्रण करदे सन सच्चे पातशाह असीं इन कुकर्मां दा त्याग करके अपने जीवन नूं वतीत करांगा। समा दसवें पातशाह दा आया। महिमा प्रकाश ने बड़ी स्वादली घटना का जिक्र किया, कहिंदा 1699 की विसाखी तो पहला कलगीधर पातशाह का दीवान सजिया होया। गुरु पातशाह ने हुक्म किया, भाई दया चंद जी पानी की गागर भर के लै आओ। पानी की गागर भर के लियांदी गई। सच्चे पातशाह ने मर्यादा के मुताबक पैर के अंगूठे के नाल उन्हूं टच किया। अगला हुक्म किया, भाई दया चंद इस पानी की गागर नूं भर के उपरों बंद करके टाकी ला के दरिया सतलुज दे विच इन्नी डूंगी सुटियाओ ये मुड़के दोबारा बाहर ना निकल सके। सिखां ने हुक्म तो मन लिया पर शंका खड़ी हो गई। आके सच्चे पातशाह दे कोलो सवाल किया। सच्चे पातशाह कहण लगे, सिखो जिहड़ी मर्यादा गुरु नानक पातशाह तो लैके हुण तक चली आ रही सी उस मर्यादा नूं बंद करता गया ते अगला ऐलान 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन एक कर दिता कि तरे केस पाहुल बिन पेखी मूड़ा सिख मेरा दर्शन नाहीं तिस पापी त्यागे पिख। जिहड़े सिख ने अमृत की दात नहीं ली वह मेरा सिख ही नहीं हो सकता। कलगीधर पातशाह ने ऐलान किया, इतिहास इस गल का हामी है, पढ़ के देखो गुरु इतिहास। भाई डल्ला सच्चे पातशाह कोल आया, कहन लगा सच्चे पातशाह मैनू अपने चरणों में पीढ़ी जिनी थां दे दो। गुरु पातशाह कहन लगे, भाई डल्ला अमृत की दात ली है गुरु का सिख बनया। भाई डल्ला कहिंदा, नहीं सच्चे पातशाह अमृत की दात नहीं ली। गुरु पातशाह कहन लगे, फिर भाई डल्ला तेनू पीढ़ी जिनी थां साडे चरणों में नहीं मिल सकती। भाई दयालदास जिन्हें गुरु पातशाह दे वास्ते लंगर तैयार किए ने ते लंगर तैयार किए गुरु पातशाह भटिंडे दे कोलो आ रहे ने, रस्ते विच गुरु पातशाह दे घोड़े नूं प्यास लगी। भाई दयालदास दे लंगर दे विचो पानी दी बाल्टी भर के सिखां ने अगे रखती नीले अगे, नीले ने सिर मारता। ये गल समझण वाली है, जे गुरु दे घोड़े भी निगरे नूं प्रवान नहीं करदे कि गुरु सानू प्रवान कर लेगा। गुरु प्यार वालियो आओ सुचेत होइए। कलगीधर पातशाह दे समय एक बाबा कलाधारी जी होए ने। मैं गल्लां तुहाडे नाल इस करके कह रहा क्योंकि असी दावे नाल कहने ना असी कलगीधर पातशाह दे सिख हाँ, असी गुरु नानक दे सिख हाँ। अज देखो साडी गिनती मिनती कैसी हो गई, अज तंबाकू रगड़ लिया सिख मैं गुरु नानक दा सिख हाँ, अज शराब पी रहा सिख मैं गुरु नानक दा सिख हाँ, अज तंबाकू खा रहा है मैं गुरु नानक दा सिख हाँ, अज नशियां दा सेवन कर रहा है मैं गुरु नानक दा सिख हाँ, अज सिर दे उपर दस्तार नहीं मुछां पखों मौलवी आखन नूं सरदार। ये अवस्था साडी बन रही है पर मान नाल कह रहा तू कौन है भाई, मैं गुरु नानक दा सिख हाँ। इत्थे गुरु नानक ने कलगीधर पातशाह ने कोई सिखी दी सेल नहीं लाई, जिहड़ा आए वह गुरु नानक दा सिख। इत्थे दा रहता बहता विच पक्का होना, इत्थे गुरु दे जीवन नूं गुरु दे गुणा नूं अपने जीवन दे अंदर ताड़ना ताई गुरु नानक दा सिख कहवा सकदा है। कलगीधर पातशाह दे वेले बाबा कलाधारी जी होए, उन्हां दे अगे संतान सन बाबा अजीत सिंह, उन्हां दे अगे कोई औलाद नहीं होई। कलगीधर पातशाह कोल जाके बेनती की, कहन लगे सच्चे पातशाह मेरे घर कोई संतान नहीं है, तुसी बख्शिश करो रहमत करो मेरे घर औलाद हो जाए। तो गुरु पातशाह कहन लगे, भाई अजीत तू खंडे बाटे का अमृत छके? कहना नहीं सच्चे पातशाह मैं तो गुरु नानक की पंजवीं संतानक जोत हाँ कि मैनू भी अमृत छकन की लोड़ है। तो कलगीधर पातशाह कहन लगे, नहीं भाई संतानक जोत होना वक्री गल है, जदों तक गुरु नानक दे घर दे विच जन्म लैके खंडे बाटे का अमृत नहीं छक लेंदे ना तां तकन कलगीधर पातशाह दियाँ गुरु नानक पातशाह दियाँ बख्शिशां दे पात्र नहीं बन सकते। तो इतिहास इस गल का गवाह है, उन्होंने अमृत की दात प्राप्त की। उन्होंने घर भाई साहिब सिंह वो मर्द अगमड़ा सूरमा पैदा होया जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह तिलक दिता सी। इतिहास के हवाले ने गुरु प्यार वालियों, जेकर अज भी असी सुचेत होने वास्ते तैयार नहीं ना थां थां ते ठोकरां खाण वास्ते
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਬੜਿਆ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ, ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਸਾਂਭ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਫੜ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਟੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਸੋਚਾ ਸੋਚਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਗਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ, ਮੈਕਾਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਟਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ। ਤਾਂਹੀਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਜਾਂਗੇ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।